हेलो स्टूडेंट्स, फुल एजुकेशन सपोर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। एमकॉम पार्ट टू सेमेस्टर थ्री एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग हम लोग कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का आपको चैप्टर है और चैप्टर नंबर फोर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर फोर में ROI RI इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑलरेडी प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है, तो प्लीज चेक कर लीजिएगा। तो आज का क्वेश्चन जो है, जो हम डिस्कस करने वाले, वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव, पेज नंबर है 172, मनन प्रकाशन की बुक मैंने ली है। तो हम अब ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। ए लिमिटेड हैज फोर डिविजन्स, फॉलोइंग डाटा आर इन रिस्पेक्ट ऑफ देम, पर्टिकुलर रूपी आई रूपीज इन लैक, एस रूपीज इन लैक, सी रूपीज इन लैक एंड एम इन रूपीज इन लैक। टोटल एसेट दिया गया है, टोटल एसेट आपको 12 है। आप लोग जो देख रहे हैं पेंसिल से, ये पेंसिल से आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। एज इट इज ही है, बस आपको नंबर चेंज किया गया है, आपको ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। ओके, तो अभी हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 12 लाख है आपको टोटल एसेट आई का, एस का 10 लाख है, सी का 14 लाख एंड एम का 18 लाख। टोटल सेल्स दिया गया है 20 लाख, 30 लाख, 36 लाख एंड 28 लाख। टोटल कॉस्ट दिया गया है 18 लाख, 27 लाख, 33.6 लाख एंड 26 लाख। टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको दिया गया है 14%, 18%, 16% एंड 10%। आपको बोला गया है रिक्वायर्ड कैलकुलेट द एनुअल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब ROI। अगेन मैं बोल रही हूँ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब ROI। कैलकुलेट द रेसिड्यूअल इनकम, रेसिड्यूअल इनकम मतलब RI, रेसिड्यूअल इनकम मतलब RI। ओके, तो कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है तो पहले ए लिमिटेड जो कंपनी का नाम है वही नाम यहाँ पे लिखिए, ए लिमिटेड एंड पर्टिकुलर रुपीज इन लैक। ओके, आई एस सी एम इनका रुपीज इन लैक में लिख दीजिए। टोटल सेल्स कितना है, 20 लाख है, तो 20 लाख लिखा हमने। देन लेस टोटल कॉस्ट किया, टोटल कॉस्ट कितनी है 18, तो 20 में से 18 गया तो 2 बचता है। डायरेक्ट आपको ऐसे ही करना है, लैक में मत 0-0 मत बनाओ, डायरेक्ट आप लिखो यहाँ पे 20 में 18 गया तो 20, देन 30 में 27 गया तो 3, 36.0 में 33.6 गया तो 2.4 एंड 28 में 26 गया तो 2। इस तरीके से मैंने क्या निकाला, ये मेरा नेट इनकम है। ओके, अब आते हैं ROI में, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए नेट इनकम डिवाइड इन्वेस्टमेंट इनटू 100 करना होगा। तो नेट इनकम आपको देखना होगा कहाँ है, तो नेट इनकम जो है या हमने निकाला है 2.3, 2.4, इस तरीके से हमने नेट इनकम निकाला है। और इन्वेस्टमेंट की बात रही तो टोटल इन्वेस्टमेंट तो हमारे पास है ही नहीं, तो इन्वेस्टमेंट की जगह हम एसेट लेंगे, जो एसेट लगाया है 12 लाख, 10 लाख, 14 लाख, 18 लाख, यही एसेट हम लेंगे नीचे और इनटू 100 करेंगे। तो 2 लाख जो ये अमाउंट है वो, 12 लाख जो एसेट है हमारा वो, एंड इनटू 100 किया तो 16.7% आया। 3 लाख डिवाइड 10 इनटू 100 किया तो 30%, ये एस का अमाउंट आया। 2.4 लाख डिवाइड 14 लाख इनटू 100 तो 17.1% आया। 2 लाख डिवाइड 18 लाख इनटू 100 तो 11.1% आया। इस तरीके से मैंने अपना ROI निकाला है। देन अब हम क्या करेंगे, तो हमें कैलकुलेशन ऑफ रेसिडुअल इनकम निकालना है। उसके लिए आपको पर्टिकुलर आई रुपीज इन लैक, एस रुपीज इन लैक, सी रुपीज इन लैक एंड एम रुपीज इन लैक, इनका लैक में निकालना है। प्रॉफिट, प्रॉफिट हमें क्या मिला, तो प्रॉफिट हमें मिला 2, 3, 2.4 एंड 2, ये मेरा प्रॉफिट ही था, तो 2, 3, 2.40 एंड 2, इस तरीके से लिख लिया। देन आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोला है 14%, 18%, 16%, 10%, तो आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। उसके लिए आपको करना क्या होगा, जो आपका एसेट है, एसेट आपका कितना है, एसेट आपका है 12 आप करोगे 12 इंटू 14%, 14% दिया ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो 1.68 आया, तो 1.68 यहाँ पे लिखना है। ये क्या हो गया आपका इंप्यूटेड इंटरेस्ट, जो कि लेस कर दिया जाएगा। ऐसे ही आपको सभी अमाउंट निकाल लेना है।
ओके एंड देन आपको आप माइनस करोगे तो आपको 0.32 मिलेगा। इसी तरीके से सभी को माइनस करना है तो आपको आंसर मिल जाएगा। इस तरीके से हमने रेसिडुअल इनकम निकाला है, तो ये आप लोग ले सकते हैं आंसर का स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेने से और आप अपनी नोटबुक में सॉल्व कर सकते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स। अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए थे तो सबसे पहले इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि इस तरीके के नोटिफिकेशन जो आप लोग मिस ना कर पाए। एंड अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, बिकॉज ये एमकॉम का पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे आपको 1 रुपए भी नहीं देना, बस सपोर्ट करना है अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करके, सोशल मीडिया में शेयर करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग का पूरा लेसन कवर करना है हमें, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।